हेलो एंड वेलकम टू 26th अक्टूबर 2023 प्लीज़ नोट आप इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पीडीएफ वर्जन है डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन और सत्यजीत सर जिस तरह से सारे न्यूज जो आर्टिकल्स कवर करते थे उनकी बाद में समरी भी देते थे आज से ये समरी भी मैं दे पा दूंगा आपको लेकिन मेरी जो समरी होगी वो सेपरेट एक पी में होगी मैं उसको अपने एग्जिस्टिंग पी में नहीं ऐड कर पाया हूँ तो वो जो समरी पी है वो भी आपको लिंक में ही मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और मैं आपको एंड करने से पहले आज के सारे जो एनालिसिस है उसकी समरी से वॉक थ्रू भी करा दूंगा चलिए आज के जरा टॉपिक्स देख लेते हैं ये सारे टॉपिक्स है आज के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में और जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टैंडर्ड्स See, ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर थ्री के लिए रेलिवेंट है और बिफोर वी गो ऑन टू की न्यूज क्या है और इसमें क्या करना है बिफोर दैट एक बार जरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं वैसे हमने पहले कुछ न्यूज पेपर एनालिसिस में इसके बारे में करा था तो एक क्विक रिविजन हो जाएगा हमारे लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में समझना सबसे पहली बात ये इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक से चल रहे होते हैं इनमें बैटरी लगी होती है बैटरी चार्ज लेती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम योर रेगुलर जो व्हीकल्स होते हैं उनसे अलग होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक कंबशन इंजन बोलते हैं जो हमारे रेगुलर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर एक इंजन लगा होता है और इसीलिए हम लोग इसको इंटरनल कंबशन इंजन ये बोलते हैं हम सॉरी मैंने शायद इलेक्ट्रिक पहले बोल दिया था तो हमारे रेगुलर व्हीकल्स को इंटरनल कंबशन इंजन बोला जा रहा होता है इनमें फ्यूल पड़ता है कोई ना कोई और उस फ्यूल को बर्न करके रेगुलर जो हमारे कार्स होती हैं या मोटरसाइकिल्स होती हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर वो चल रहे होते हैं रेगुलर इंजन से that, इन कंपैरिजन टू दैट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनमें बैटरी होती है और ये बैटरी की पावर से चल रहे होते हैं अब बिकॉज ये बैटरी से चलते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं इसीलिए ये एडवांटेजियस होते हैं पहला एडवांटेज एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं भाई इनसे कम पोल्यूशन हो रहा होता है कम एमिशंस हो रहे होते हैं तो ये फायदा होता है दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कॉस्ट जो होती है ओवरऑल कम आ जाती है कंपेयर टू पेट्रोल की जो कॉस्ट होती है उसके कंपैरिजन में तो अगर रेगुलर पेट्रोल वाला जो व्हीकल होता है उसको देखो तो वो सेवन टू एट रुपीज पर किलोमीटर उसका होता है माइलेज जो दे रहा होता है जो इकोनॉमी उसकी निकलती है बट इन कंपेरिजन टू दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना सस्ता होता है एट्टी पैसा पर किलोमीटर तक पड़ता है तो ये एडवांटेज है कि ये चीपर होते हैं और तीसरा इंडिया तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज्यादा तो खुद से प्रोड्यूस करता नहीं है हम क्रूड ऑयल जो होता है वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज से एज अ रिजल्ट इंडिया जैसी कंट्री में तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और ज्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो हमें क्रूड ऑयल कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा एज अ रिजल्ट दूसरी कंट्रीज पर हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो इसमें कम हो जाएगी तो ये तो अच्छी चीज हो जाती है और यही रीजन है कि इंडिया में बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही हैं अमेजोन स्विगी जोमेटो ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करने लग गए हैं डिलीवरीज के लिए महिंद्रा हो गया टाटा हो गया हुंडाई हो गया टोयटा हो गया ये सब भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सेल कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर हो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब कुछ अच्छा है और इनमें कुछ इश्यूज नहीं है अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्पाइट चीपर डिस्पाइट बींग चीपर डिस्पाइट बींग लेस बींगूटिंग येट इंडिया जैसी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल आज भी उतने पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं और उसके जो रीजंस हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों पॉपुलर नहीं है एक बार इन रीजंस को भी देख लेते हैं सबसे बड़ा रीजन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सब्सिडी होती है वो ज्यादा देनी पड़ रही होती है सरकार अब ये सब्सिडी की बात कैसे होती है तो जरा इसको समझ लेना कि सब्सिडी कैसे देनी पड़ रही होती है ना सी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि पहले से ही बहुत सस्ते होते हैं जैसा बोला गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना सस्ता है बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्राइस होती है वो महंगी हो रही होती है और अगर उसको सस्ता कर रहा है अगर एक आम जनता उसको अफोर्ड कर पाए जो रेगुलर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करे इन दैट केस गवर्नमेंट को बहुत सारी सब्सिडी देनी पड़ती है और टैक्सेस हटाने पड़ते हैं जनरली कार्स पर काफी हाई टैक्सेस पड़ते हैं जो रेगुलर कार्स होती हैं बट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार पॉपुलराइज करना चाहती है तो जरूरी है कि टैक्सेस को कम करा जाए तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे और सस्ते पड़ेंगे और ये जो ये जो चीज होती है टैक्सेस को वेव ऑफ करना इसको कहीं ना कहीं बोला जाता है कि सरकार अगर टैक्सेस हटाएगी तो उन लोगों की हेल्प कर रही है जो कि मिडिल या अपर मिडिल क्लास में आते हैं अब सरकार का ये काम होता है कि हेल्प करना गरीबों की ज्यादा हेल्प करना वेलफेयर मेजर्स लेने होते हैं गरीबों की हेल्प करनी होती है जिनके पास में पैसे कम हो जिनको जिनकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही हो, उनको हेल्प करना बेटर है बट वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग जो कि ऑलरेडी इतने अमीर हैं कि वो कार अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अगर सरकार टैक्सेस कम करती है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठता है कि सरकार एक्चुअली किसके लिए काम कर रही है और इसी बात को पहले भी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे उसने हाईलाइट करा था 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में यही बोला गया था कि हमारी सरकार की कई बार ऐसी स्कीम्स बना देती है जिसमें वो उन लोगों को हेल्प करने लगती है जिनको सरकार की हेल्प की जरूरत नहीं है जो अमीर है और इसी को बोला जाता है बाउंड्रीज टू वेल ऑफ दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम बनाती है ऐसे मेजर्स लेती है जिनमें उन लोगों को हेल्प करा जाए जिन्हें सरकार की हेल्प नहीं चाहिए जो अमीर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता करने के लिए सरकार अपने टैक्सेस कम करती है तो कहीं ना कहीं वो गरीबों की नहीं बट उस मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की हेल्प कर रही है जिस जो कि जिसको सरकार की शायद हेल्प नहीं चाहिए जो कि अफोर्ड कर सकता है इस टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आई है तो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर और बता देता हूं एंड दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बात जो है ये आपसे में यूज हो सकती है प्राइमरली इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक होते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिंपल होते हैं इनमें चार्ज करा जाता है और चार्ज होने पर ये चलते हैं अब एक ऐसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं जिनको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला जाता है हाइब्रिड का मतलब है कि ये प्राइमरली ऑयल से चल रहे हैं लेकिन जब ये एक कार चलती है या फिर ये स्कूटर चलती है तो जो एनर्जी जेनरेट होती है उसका कुछ पार्ट ये बैटरी में भी स्टोर कर देते हैं तो बैटरी और ऑयल दोनों का यूज होता है प्राइमरली इसमें फ्यूल पड़ता है ऑयल पड़ता है बट चलते टाइम पर कुछ एनर्जी ये बैटरी में भी स्टोर करते हैं इससे फायदा ये होता है कि ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाता है और ज्यादा अच्छा माइलेज देने लग जाती है गाड़ी तो इनको बोला जाता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक और टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इनको बोलते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको बोला जाता है इसमें ऑयल का भी टैंक होता है इसमें ऑयल भी पड़ सकता है साथ ही साथ इसमें बैटरी की सेपरेटली चार्जिंग भी हो सकती है तो इसमें यूज ये ऐसा होता है कि लोगों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइमरली वो अपनी गाड़ी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक बैटरी जो है उसको चार्ज करके डायरेक्टली चलाएंगे लेकिन अगर चलते चलते कभी ऐसा हुआ कि चार्ज खत्म हो गया बैटरी का तो इन दैट केस वो अपने ऑयल टैंक में ऑयल भरा करके भी चला सकते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि गाड़ी की रेंज बहुत अच्छी हो जाती है कार बहुत लंबे डिस्टेंस पे चल सकती है जब तक बैटरी की पावर है तब तक बैटरी से चलेगी और जब चार्ज खत्म हो गया तो ऑयल डला दिया तब चलने लगी इसको बोलते हैं पीएचईवी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और लास्टली होते हैं हमारे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें इलेक्ट्रिक से चलता तो है बट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चार्जिंग से नहीं आती है फ्यूल से भी नहीं आती है रादर इसमें हाइड्रोजन का यूज होता है इसमें हाइड्रोजन का यूज करके फ्यूल सेल होते हैं और उसका यूज करके फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये कार चलाई जाती है तो ये तो बात हो गई वेरियस टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की रिमेंबर ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज एक्सपेंसिव होती हैं इनके हो रहे होते हैं तो ये और, बने रहेंगे और लोग कभी भी इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे एंड दैट इज वाई वी सी इन कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज लाइक नॉर्वे आइसलैंड स्वीडन जहां पर ये बहुत पॉपुलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख सकते हैं नॉर्वे में अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी परसेंट वेहीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है वैसी कंट्रीज में सरकार ने ही इसको पॉपुलराइज करा है एंड दैट इज आज आज के आज के टाइम पर इन कंट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने पॉपुलर हैं अगर आज के टाइम पर बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कहां पर बनते हैं हैं और चलते हैं, तो उसका आंसर हो जाता है चाइना इवन दो ओवरऑल चाइना के व्हीकल्स में सिर्फ फाइव टू सिक्स परसेंट ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है लेकिन देखा जाए ओवरऑल सबसे बड़ी आज के टाइम की मार्केट चाइना है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर है और उसका भी एक बड़ा रीजन है गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है तो ये तो पहली बात हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉब्लम की कि टैक्सेस उन पे ज्यादा है एज अ रिजल्ट एक्सपेंसिव हो रहे होते हैं हैं दूसरी बात करते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग चाहिए होती है और इंडिया में चार्जिंग का उतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है और अगेन जिस तरह से पेट्रोल पंप स्टैब्लिश करने में सरकार को बहुत एनकरेज करना पड़ता है लैंड देनी पड़ती है गवर्नमेंट की ऑयल कंपनीज है जो कि अपने डीलर्स के यहाँ पर पेट्रोल रखवाती है और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का अभी डेवलप नहीं हुआ है और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते टाइम पर लोगों को डर होता है कि चार्ज कहाँ करेंगे कैसे उसको चार्जिंग करेंगे अब यहां पर फिर से नॉर्वे और चाइना की बात आ जाएगी नॉर्वे और चाइना ने बहुत ज्यादा इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एनकरेज करा था जब गवर्नमेंट करेगी तभी ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे और तभी उनको भरोसा होगा कि चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी और वो फ्रीक्वेंटली उसको चलाया करेंगे सो so, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं है चार्जिंग में और इसीलिए लोग थोड़ा सा घबराते हैं लोग अभी भी प्राइवेटली अपने कार्स को चार्ज कर रहे हैं कार्स को स्कूटर्स को और ऐसे जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है ये बहुत कम हो रहे हैं अच्छा तीसरी एक और प्रॉब्लम है और ये है प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की देखिए अगर हम बात करते हैं नॉर्वे जैसी कंट्रीज की या आइसलैंड जैसी कंट्रीज की जो टॉप जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन है ऐसी कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो आज भी सबसे ज्यादा एनर्जी कोल जो होता है उसको बर्न करके होती है थर्मल पावर प्लांट से होती है अब कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पॉल्यूशन तो होता ही है तो एक बड़ा सवाल आता है कि अगर इंडिया कोल बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जो कि पॉल्यूटिंग है तो ऐसे में डायरेक्टली जो कार होती है उसी में फ्यूल डाल करके उसी में पेट्रोल डाल के क्यों ना चला दिया जाए उसमें भी तो पॉल्यूशन हो ही रहा है तो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो खुद ही इतनी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इतनी ज्यादा रिन्यूएबल पे बेस्ड नहीं है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने का एक केस बने और लोगों को भी समझ में आए कि उन्हें यूज करना है क्योंकि आर्गुमेंट आता है क्योंकि यह आता कि इंडिया में तो अभी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द पोल्यूटिंग सोर्सेज लाइक कोल तो फिर ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है क्योंकि वहां से भी तो पॉल्यूशन जो हो ही रहा है कोल को बर्न करने से चौथा पॉइंट एक और है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अब गवर्नमेंट तो चार्जिंग में उतना ज्यादा काम नहीं कर रही है कर भी रही है तो अभी काफी लिमिटेड है और भी अगर प्राइवेट लेवल पर देखा जाए या कंपनीज जो होती हैं वो भी उन्होंने भी उतने ज्यादा अभी चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत होती है कि उसको हर 200 से 300 किलोमीटर चलने के बाद चार्ज होना पड़ता है अब ऐसे में जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है तो लोगों को रेंज एंग्जाइटी होती है रेंज एंग्जाइटी का मतलब होता है कि लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि अगर चार्ज खत्म हो गया तो क्या करेंगे और ऐसे में वो ज्यादा दूर तक नहीं ले जाना चाहते और जिसको भी थोड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो सोचते हैं कि अरे छोड़ो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेना है वो पता नहीं कब चलते चलते बंद हो जाए इस चीज को बोलते हैं रेंज एंग हो जाना और ये तभी सही होगा जब पब्लिक लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से एज वेल एज प्राइवेटली भी ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनेंगे एक और प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल को एंड दैट इज स्लो चार्जिंग अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसे काफी टाइम लग रहा होता है फास्ट चार्ज उसको काफी टाइम लगता है चार्ज होने में अच्छा कुछ कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल में फास्ट चार्जर्स भी होते हैं कि जो जल्दी चार्ज करते हैं लेकिन फास्ट चार्जिंग करनी है तो उसमें पावर का कंजम्पशन ज्यादा होता है और पावर का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होता है तो वो हर कोई हर जगह पर इतनी हाई पावर का लोड मिले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जल्दी से चार्ज करा जाए वो भी जरूरी नहीं है तो अगेन एक प्रॉब्लम आ जाती है चार्जिंग से रिलेटेड एंड दैट इज स्लो चार्जिंग एक और प्रॉब्लम आ रही है लॉजिस्टिकल इंडिया चाहता तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल खूब बनाए और हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करे हर कुछ इंडिया चाहता है बट एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादातर पार्ट पार्ट इंक्लूडिंग जो उसका सबसे बड़ा है है बैटरीज वो इंपोर्ट हो रही होती है और उस पर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है चाइना पर सर्किट्स की बात करें सेमी कंडक्टर्स कंट्रोलर एनऑल वो सब भी इम्पोर्ट ही हो रहे होते हैं और बैटरीज में तो एक नई न्यूज भी आई है जो अभी फोर डेज बैक ही आई थी मैंने कवर नहीं करी थी इसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बिकॉज़ मुझे लगा था इस न्यूज को जरा मेच्योर होने देते हैं लेकिन अभी के लिए इस न्यूज को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं और ये न्यूज ये आई थी कि चाइना जो कि इस टाइम पर ग्रेफाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसने इस ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट को कम करने की बात बोली है और उसको रोक रहा है ये अभी फोर फाइव डेज पहले ही ये न्यूज आई थी अब ये ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट को कम करने से क्या होगा सो देखिए ये जो बैटरी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिथियम आयन इनको बैटरीज बोलते हैं एल आई आयन बैटरीज ये बैटरीज में ग्रेफाइट का काफी बड़ा यूज हो रहा होता है अब बिकॉज इस वाली बैटरी में ग्रेफाइट चाहिए और ग्रेफाइट के ये तो है सारे प्रोड्यूसर बट बट इसमें जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है चाइना चाइना दुनिया भर के ग्रेफाइट का टू थर्ड ग्रेफाइट ये चाइना ही प्रोड्यूस करता है सिक्सटी सेवन परसेंट और ये चाइना बोल रहा है कि अब हम कंट्रोल करेंगे हम इतना ज्यादा ग्रेफाइट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इंडिया जैसी कंट्रीज जिनको इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है और चाहते इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ग्रेफाइट ही नहीं रहेगा बैटरी के लिए तो कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडोप्शन करवा पा, कर पाएंगे ये एक प्रॉब्लम और आ रही है अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है एक और प्रॉब्लम देखिए और ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग के स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी कमी है सो so, होता यह है मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं आपने देखा होगा पिछले फाइव सिक्स में बहुत सारे टाइप के फोन आए अब मोबाइल फोन में आपने देखे होंगे कहीं पर सी टाइप चार्जर हो रहा होता है कहीं पर माइक्रो यूएसबी चार्जर हो रहा होता है और वो लोग जो कि एप्पल के यूजर हैं उनके में तो पता नहीं और कौन कौन से टाइप के चार्जर होते हैं तो आप देखेंगे मोबाइल फोन्स को लेकर के बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्जर यूज होते हैं एप्पल कुछ करता है कोई सी टाइप करता है कोई माइक्रो यूएसबी करता है कोई कुछ करता है और कोई कुछ करता है ऐसे में कंज्यूमर की ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कंज्यूमर्स के लिए एक स्टैंडर्ड चार्जिंग का तरीका नहीं मिल रहा था और इसी वजह से धीरे धीरे कंपनीज जो है मोबाइल कंपनीज उन्होंने स्टैंडर्डाइज चार्जिंग करी आजकल के टाइम पर सी टाइप जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो आपके ब्लूटूथ डिज एंड ऑल सब में अब सी टाइप चार्जर चार्जिंग जो है यही पॉपुलराइज हो रही है और यही अब सब में यूज हो रहा है इंक्लूडिंग आई थिंक एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी अब यही सी टाइप ही है यही इनका पॉपुलर चल रहा है अब ऐसा ही करा जा रहा है इलेक्ट्रिक वेहीकल्स के लिए भी इलेक्ट्रिक वेहीकल्स में भी जो मेन मेन मैन्युफैक्चर थे स्पेशली टू व्हीलर्स के ओला एथर एनर्जी एंड अदर्स ये सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के स्टैंडर्ड कोई बनाता था टू पिन प्लग कोई बनाता था थ्री पिन प्लग कोई बनाता था डीसी चार्जिंग और ऐसी बहुत सारी चार्जिंग चल रही होती थी अब इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए सरकार ने काम कर लिया है और ये काम जो है ये हम लोग देख रहे हैं इस न्यूज में देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं अब सारे चैलेंजेस पर एक बार में तो काम नहीं करा जा सकता और सबको एक बार में सही भी नहीं करा जा सकता तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको इजिली सही कर सकते हैं एंड दैट इज सिंपल इश्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चार्जिंग चार्जिंग एक तरीके से हो जाए जिससे जनता को इसलिए ना परेशान होना पड़े कि मेरी कार यहां नहीं चार्ज होती है तो मेरी कार वहां नहीं होती है इसमें यह प्लग लगता है उसमें वो केबल लगती है इस टाइप की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको सबसे पहले करेक्ट करा जाए और इसीलिए इस डायरेक्शन में काम करते हुए सरकार ने स्टैंड जो चार्जिंग का तरीका उसको स्टैंडर्डाइज करवाया कर है और उसको करवाया ऐसे है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर डेवलप कर दिया है सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इसमें एसी और डीसी कंबाइंड चार्जिंग होगी ये एसी डीसी क्या होती है तो एसी और डीसी करंट होती है दो टाइप की सिंपल भाषा में बोलूं तो जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जो बैटरी होती है बैटरी से डीसी करंट निकलती है और जो हमारे घर के जो प्लग्स होते हैं जो हमारी ट्यूबलाइट एसी फैन जो होते हैं ये सब एसी करंट में चल रहे होते हैं तो जो घर के अप्लायसेज है ये एसी में चलते हैं लेकिन वो अप्लायसेज बैटरी में चलते हैं बैटरी वाले डीसी पे चलते हैं अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते थे स्पेशली अगर कार की बात करें तो बहुत सारी कार्स एसी से चार्ज, चार्ज होती है स्पेशली अगर कोई जैपनीज मैन्युफैक्चरर है या यूरोपियन मैनुफैक्चरर है तो जैपनीज और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स वो अपनी कार चार्जिंग्स को बना रहे होते थे एसी टाइप की चार्जिंग के लिए क्योंकि वहां पर एसी करंट से चार्जिंग करने का ज्यादा पॉपुलर कल्चर है लेकिन अगर यूएसए की कंपनीज की बात करते हैं तो वो डीसी टाइप चार्जिंग कर रही होती थी अब इंडिया में जो कार मैन्युफेक्चर उनमें भी ऐसा ही था कोई ए है कोई डीसी है अलग अलग टाइप का था जो डीसी वाले थे वो एसी से डीसी का कन्वर्टर भी प्रोवाइड कर रहे थे अब ऐसे में प्रॉब्लम हो रही थी उसको रिजोल्व करने का तरीका कि एक कॉमन कनेक्टर बना दिया गया जो कि एसी डी कंबाइंड कनेक्टर है इससे एटलीस्ट फायदा इतना होगा कि कंज्यूमर्स को आगे से इस बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी कार कौन से स्टेशन पे चार्ज हो सकती है वहां एसी मिलती है डी सी मिलती है क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा उनको इस पर नहीं सोचना पड़ेगा अच्छा इसमें जो डीसी चार्ज होती है वो फास्ट चार्ज का होता है ये जल्दी चार्ज होता है एसी जो होती है ये स्लो चार्जिंग होती है इसमें एसी लेवल टू चार्ज होता है जो रिलेटिवली फास्टर है एसी लेवल वन से ये स्लोवेस्ट है ये फास्ट है और ये फास्टेस्ट है ये सबसे तेज हो रहा होता है डीसी जो फास्ट चार्ज होता है ये फास्टेस्ट है आउट ऑफ ऑल तो अब एक कॉमन कनेक्टर होने की वजह से इजी रहेगा चार्ज हो पाना क्योंकि एक ही कनेक्टर से कंज्यूमर्स को एटलीस्ट चार्जिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना पड़ेगा तो ये बात हो गई कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये वाला जो अभी करंट मेजर है ये कैसे हेल्प कर रहा है ये पूरी बात अपने को हो गई है

चैलेंजेस सॉल्यूशंस वे अहेड बेस्ट प्रैक्टिसेस वो सब इंक्लूड करके आपके सामने प्रेजेंट करा जाएगा फॉर द दिंग इसके चैलेंजेस और जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा और उसके बेसिस पर यह क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड दिस इज सेकंड टॉपिक नॉट द थर्ड टॉपिक सेकंड टॉपिक है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का अच्छा अब जरा ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जरा देख लेते हैं क्या चीज है, होता क्या है सो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का सिंपल मतलब होता है कि किसी हम लोग जब कोई कंट्री जो होती है वो अपने किसी एक एरिया में अपनी आर्मी अपनी नेवी और अपनी एयर फोर्स को कंबाइन करके एक तरीके से एक उसको पम, उसका जो कंबाइंड तरीका होता है उसको उससे अगर काम करवाती है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड मैं अपनी बात को जरा थोड़ा प्रॉपर तरीके से फिर से एक बार बोलता हूं देखिए जनरली क्या होता है इंडिया जैसी कंट्री में आर्मी जो होती है नेवी और एयरफोर्स अपने अपने अलग अलग कमांड्स चलाती हैं कमांड का मतलब होता है वो जगह जहां से वो ऑपरेट करते हैं और उस जगह पर उस उस एरिया की जो सेफ सिक्योरिटी है उसको वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं जैसे साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर इसकी बात करते हैं यह एयरफोर्स की कमांड होती है तो एयरफोर्स क्या करता है अपने इस एरिया से साउथ वेस्टर्न जो इंडिया की एयर स्पेस है उसकी सिक्योरिटी एयरफोर्स करता है सिमिलरली उसी के पास में आप देखेंगे वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में जो कि है नेवी का नेवी कर रहा होता है सी की प्रोटेक्शन और उसी के पास में साउथ वेस्टर्न कमांड जो है यहाँ पर साउथ सदर्न कमांड है पुणे में जो कि आर्मी का होता है तो देखा जाए गुजरात महाराष्ट्र इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो इन दोनों में ही आर्मी नेवी और एयरफोर्स दोनों तीनों के कमांड हैं बट तीनों के कमांड अलग अलग जगह पर लोकेटेड है और तीनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं एक आर्मी के लिए एक लैंड को देख रहा है एक सी को देख रहा है और एक एयर एयर स्पेस को देख रहा है ए आर्मी नेवी और एयरफोर्स अब इसको रिप्लेस करा जा रहा है विद इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बोला यह जा रहा है कि जो तीनों फोर्सेस अलग अलग तरीके से अपने हैंडल करती हैं अलग अलग तरीके से देखती हैं लैंड को सी को और एयर को उससे बेटर है एक कॉमन कमांड बना दी जाए कॉमन कमांड से फायदा ये होगा कि इन तीनों फोर्सेस को मिला दिया जाएगा जिसका और एक उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा कि अब आप कंबाइंड तरीके से लैंड को सी को और एयर एयर स्पेस को तीनों को प्रोटेक्ट करो कंबाइंड तरीके से इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इससे फायदा ये होता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी भाई ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे और किसी भी तरीके के रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होगा पता होगा कि अगर किसी एरिया में आर्मी के लोग हैं तो उस जगह पर जो एयरफोर्स वाले होंगे उनको भी पता है कि आर्मी वाले अभी काम कर रहे हैं जब उनका होगा तभी हमें काम करना होगा क्योंकि एक कॉमन लीडरशिप के अंदर आएंगे सब और तीसरी बात डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा एक ही चीज को बार बार नहीं करा जाएगा तो ये इसके सीधे सीधे एडवांटेज है और ये सिस्टम लाने की बात हो रही है इसको बोला जा रहा है कि सिस्टम को लाया जाएगा तो नेशनल डिफेंस कमेटी बनाई जाएगी हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर उसके अंदर इस टाइप के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को रख दिया जाएगा इससे फायदा ये होगा कि जो अभी सेवनटीन सेपरेट कमांड्स चल रही है सेवन कमांड्स है आर्मी की और एयरफोर्स की और नेवी की जो तीन कमांड है टोटल सेवनटीन कमांड है उनको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड लाई जाएगी ये न्यूज आज की नहीं है ये पहले भी आई थी और इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट अभी भी हो रहे हैं और फाइनली जब अनाउंसमेंट होएगा कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन रही है तब भी इस न्यूज को हम लोग कवर करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस में अब सुनिएगा मेरी एक और बात जरा एग्जिस्टिंग आज आज अगर देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इंडिया में क्या एग्जिस्टिंग है 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 तो तो आंसर है, हाँ है। आज इवन दो अगर इंडिया के mainland इंडिया इंडिया के की बात करें तो mainland इंडिया में तो अलग अलग सेवेंटीन कमांड्स हैं लेकिन अंडमान एंड निकोबार में इंडिया का ऑलरेडी एक जॉइंट थिएटर कमांड एग्जिस्ट करता है अंडमान एंड निकोबार हमारा इस जगह पर होता है यहां पर ट्राई सर्विसेज का जॉइंट थिएटर कमांड अभी बना हुआ है और ये काफी सक्सेसफुल रहा है अभी तक तो अंडमान एंड निकोबार के अराउंड का जो जो सी है है उसकी एयर स्पेस और लैंड है एयरफोर्स तीनों को कंबाइन करके इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया है ये इंडिया का पहला ट्राई सर्विस थिएटर कमांड था पोर्ट ब्लेयर में ये लोकेटेड है 2001 में ही बना दिया गया था और इसका सबसे बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस जगह पर जो इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडिया के इंटरेस्ट है जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करना साउथ ईस्ट एशिया में अभी साउथ ईस्ट एशिया में क्यों इंपॉर्टेंट है जरा इसको भी देखिएगा इस बात को समझने के लिए कि साउथ ईस्ट एशिया में क्यों इंपॉर्टेंट है हमें जरा साउथ ईस्ट एशिया में इस जगह पर जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इसके बारे में समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या होता है इसके बारे में जरा आप देखना see, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये इस जगह पर लोकेटेड है एक तरफ इसमें आइलैंड है सुमात्रा का और एक तरफ है यहां पर स्थमस ऑफ क्रा का जो सदन पार्ट है इस जगह पर यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का लोकेटेड है अभी ये जो स्ट्रेट ऑफ आई एम सॉरी यस ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला पार्ट है यह चाइना के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट होता है क्यों चाइना के लिए ट्रेडिंग रूट इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आप इस वाले मैप को देखिएगा कि यह चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको देखिएगा चाइना जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा होता है है विद द वेस्ट एशिया चाइना को आपको पता ऑयल लिए तो इंडिया ने 2001 में ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि इस जगह पर लोकेटेड है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अपनी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अपनी ट्राई सर्विस कमांड बना दी थी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना दिया था और उसका ऑब्जेक्टिव था कि अगर किसी भी तरीके से चाइना अगर होस्टाइल होगा इंडिया की किसी भी तरीके से अंडमान निकोबार पर कुछ भी होस्टिलिटी होगी कुछ भी दुश्मनी होगी तो इंडिया बहुत जल्दी से इस जगह पर अपना जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है उसका यूज करके जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लेगा चाइना के इस मलक्का वाले ट्रेड रूट को और इसी इसी को चाइना बोलता है आयरन करटे चाइना ने इसी को ही आयरन कर्टेन भी बोला हुआ है कि किस तरीके से इंडिया ने इस जगह पर अपनी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई है और उसी को ही 2003 में चाइना ने मलक्कन डिलिमा का भी नाम दिया था कि किस तरीके से इस छोटे से स्टेप से इंडिया जो है चाइना को रोक सकता था चाइना की सेफ्टी सिक्योरिटी को थ्रेटेन कर सकता था चाइना ने भी उसका उपाय करा उसने भी उसका आंसर दिया और चाइना ने अपना इसका आंसर दिया थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड मैं जल्दी से बता देता हूँ बेल्ट एंड चाइना का एक चाइना अपनी डिपेंडेंसी इस मलक्कन डिल मलक्का में स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कम कर रहा है और उसके लिए वो रोड का नेटवर्क बना रहा है रेलवे का बना रहा है पाइपलाइन पोर्ट्स बना रहा है और उपाय उसका आंसर ये है कि वो जब वेरियस दूसरे मेथड से कनेक्ट हो जाएगा यूरोप से और वेस्ट एशिया से इन दैट केस उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी इसी में उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया ये सब उसने वेरियस अदर्स मेजर लिए हुए हैं जिसके थ्रू वो बेटर कनेक्टिविटी कर ले विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो ये चाइना ने भी उसका आंसर करा ही हुआ था तो ये तो बात हो गई कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है वो क्या यूजफुल है और कैसे पहले भी हमने देखा है कि वो यूजफुल रहे हैं अच्छा इसी अंडमान वाला जो थिएटर कमांड है उसकी यूजफुलनेस से इम्प्रेस होकर के रिकमेंड करा था तीन नए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का सबसे पहले चाइना का जो बॉर्डर वाला ये पार्ट रहेगा ये होएगा नॉर्थन थिएटर कमांड जो चाइना का बॉर्डर के लिए देन वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया जाएगा जो पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए एंड देन सदर्न थिएटर कमांड बनाया जाएगा जो कि रहेगा इंडिया के कोस्टल काम कोस्टल एरिया के लिए अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड ईस्ट कोस्ट एंड साउथ वेस्टर्न थिएटर कमांड फॉर द वेस्ट कोस्ट फाइनली कौन से कमांड्स बनते हैं थिएटर कमांड्स बनते हैं इसकी जब फाइनल आएगी गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन तभी अपने को पता चल पाएगा कि ये कौन से फाइनली बन के आएंगे सो दैट इज द न्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज यू कैन अटेम्प्ट दिस फॉलोइंग क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं प्रिलिम से रिलेटेड पिछले दो तीन दिनों से मैं महुआ केसेस पर बहुत सारी रिलेटेड करेंट अफेयर निकाल रहा हूं। आज भी रिलेटेड करेंट अफेयर अगेन महुआ मोहित्रा वाले केस से और आज का टॉपिक है एथिक्स कमेटी अब आपको पता ही होगा आपने अपनी बेसिक पॉलिटी में पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं वो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि स्टैंडिंग कमेटी होती है एडहॉक कमेटीज होती हैं जो टेम्प्रेरी होती हैं फिर आपने पढ़ा होगा स्टैंडिंग कमिटीज मल्टीपल टाइप्स की होती हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज फाइनेंशियल कमिटीज एंड अदर्स अब इसी में से पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है जिसका नाम है कमेटी एथिक्स कॉमेटी एथिक्स कॉमेटी अब उसकी बात आज होने जा रही है एथिक्स कॉमेटी की क्यों हो रही है किसने क्या किसको केस करा क्या हुआ उस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे हम लोग तो बस ये समझेंगे कि एथिक्स कमेटी क्या होती है इसकी हिस्ट्री क्या थी और ये क्या करती है हम लोग को तो प्रिलिम्स के लेवल की इंफॉर्मेशन इसमें लेनी है सो एथिक्स कमेटी राज्यसभा में पहली बार बनी थी 1997 में और लोकसभा में 2000 में ये बनाई गई थी और इसका जो काम होता है इस इस कमेटी का वो होता है कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के उनका जो मॉरल और एथिकल कंडक्ट है उसको एंश्योर करना कि वो करेक्ट है देखिए ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस देश की जनता की एज अ रिजल्ट उनके लिए एथिकली और मॉरली करेक्ट होना जरूरी है और उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं हमेशा अच्छे रहें वो जनता के बीच में हमेशा एक हाइयर स्टैंडर्ड एक रोल मॉडल के तरह से रहें इसीलिए ये बनाई गई थी एथिक्स कमेटी कि जन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक अच्छे मॉरल और एथिकल कंडक्ट को एंश्योर करा जाए ये इसका पर्पज था और जब भी कोई ऐसा कैंड कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो एथिकली या मॉरली गलत काम कर रहा होता है तो उसके केसेस को रेफर करा जाता है एथिक्स कमेटी को ही जो इस बात को देखती है कि एथिक्स कमेटी जो अगर उस, उस, उस पार उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एथिकली कुछ गलत काम करा है तो वो उसको एग्जामिन करती है और अपनी रिकमेंडेशन देती है राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन को और लोकसभा के केस में स्पीकर को तो जरा देखिएगा ये एथिक्स कमेटीज के बारे में कि ये कैसी होती है लोकसभा राज्यसभा में लोकसभा में फिफ्टीन की कमेटी होती है राज्यसभा में टेन की होती है स्पीकर अपॉइंट करता है एक साल के टेन्योर के लिए अपॉइंट करा जाता है इन को, और राज्यसभा में चेयरपर्सन अपॉइंट करता है चेयरमैन करता है इसको राज्यसभा के चेयरपर्सन एम सॉरी चेयरपर्सन अपॉइंट करता है केस ऑफ राज्यसभा क्या कंप्लेंट का प्रोसेस होता है तो अगर किसी भी पर्सन को कोई कंप्लेंट है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और उसको पता है कि उसने अनएथिकल काम करा है तो वो किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है कंप्लेंट को कमेटी जो होती है वो इंक्वायरी उसकी देखती है कि सही है या नहीं है और इंक्वायरी करने के बाद में अपनी रिपोर्ट जो होती है वो स्पीकर या चेयरपर्सन को देती है स्पीकर या चेयरपर्सन एक्शन ले सकते हैं इंक्लूडिंग एक्सपल्शन निकाला भी जा सकता है उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को

अपनी जो, जो उनको फ्रीडम मिली उसका मिस तो नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ भी करना कि जो फ्रीडम है अथॉरिटी उस well उसकी डिग्निटी पर ही क्वेश्चन इसलिए भी कमेटी ऑन प्रिविलेज होती है तो यह बात हो गई एथिक्स कमेटी की नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग अमृत कल, कलश यात्रा इस टॉपिक की बात करते हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है अमृत कलश यात्रा तो अमृत कलश यात्रा मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के थ्रू पूरे इंडिया भर में ये प्रोग्राम चल रहा है अमृत कलश यात्रा में और इसमें देखिए हमारे आसाम में भी ये कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है अगर आप विलेज एरिया में जाएंगे या छोटे छोटे टाउन में जाएंगे गुवाहाटी में तो ये सब नहीं दिखता है लेकिन छोटे छोटे टाउन्स में आप जाएंगे तो वहां पर आजकल ये बड़ा कॉमन सीन होता है विलेजेस में और ये सब में और इसमें क्या करा जा रहा है कि जो विलेज होते हैं लोगों के घर होते हैं वहां से मिट्टी ली जा रही है और मिट्टी ऐसे देखिए ये कलश में एक इस टाइप का जो पॉट होता है इसमें भर दी जाती है मिट्टी लोगों के घरों से गांव से मिट्टी जिसकी जितना मन है किसी का थोड़ा सा मिट्टी देनी है जो देना है जिसको देना है दे देते हैं और इसमें इसमें भर दिया जाता है और आइडिया ये है कि ये जो मिट्टी होगी गांव गांव की मिट्टी है घर घर की मिट्टी है इसको पहुंचाया जाएगा दिल्ली और दिल्ली में अमृत वाटिका बन रही है इस अमृत वाटिका में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी वो इन गांव गांव से आई हुई मिट्टी को इस अमृत वाटिका में डालेंगे और इससे हम लोग अपने देश के जो हीरोज हैं उनका ऑनर करेंगे बेसिकली पेट्रियटिज्म बढ़ाना है देशभक्ति बढ़ानी है तो गांव गांव से मिट्टी लाओ दिल्ली में लेकर के आओ और उसके थ्रू हम लोग ये बोलेंगे कि जब गांव गांव के लोग अपनी मिट्टी दिल्ली भेजेंगे तो उससे देश जुड़ेगा पेट्रियोटिज्म बढ़ेगा इसको बोले ये ये जो अमृत कलश यात्रा ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का पार्ट है और ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का ही ये पूरा का पूरा आइडिया था कि हमें अपने देश में पेट्रियम बढ़ाना है यूनिटी बढ़ानी है जो अमृत कलश यात्रा जिसमें घर घर से गांव गांव से मिट्टी लेके जाया जा रही है अमृत वाटिका में जहां पर मोदी जी इसको अमृत वाटिका में जो गार्डन होने वाला है इसमें डालेंगे और उस गार्डन में पेड़ वेड़ आएंगे और उससे लोगों को अपने देश के लिए पेट्रियोटिज्म बढ़ेगा मतलब जो अपने हमारे नेशनल हीरोज हैं लोगों को इंस्पायर करना नेशनल हीरोज की रिस्पेक्ट करना इन सब के लिए थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे यही पूरा का पूरा आइडिया है सो दैट इज वन आइडिया ऑफ अमृत कलश यात्रा नेक्स्ट हम लोग अगेन एक छोटे से प्रलिम्स टॉपिक पर आ जाते हैं दिस इज डार पूजा ये अपने आसाम ट्रिब्यून का टॉपिक है और जीएस पेपर फाइव दैट मीन्स आसाम पार्ट के प्रीलिम्स के लिए प्रम्पॉर्टेंट डार पूजा जो होता है ये एक छोटा सा फेस्टिवल होता है जो विजयादशमी दैट दा, मीन्स दशहरे वाले दिन सेलिब्रेट करती है रॉयल कोच फैमिली इसको सेलिब्रेट करती है और इस दशहरे वाले दिन विजयादशमी वाले दिन जो रॉयल कोच फैमिली है वो जो आर्म्स होते हैं उनके जो उनके वेपन्स हुआ करते थे उसकी वर्शिप करती है उसकी पूजा करी जाती है So, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है पावर और स्ट्रेंथ की पूजा करना तो जैसे जो उनके जो भी वेपन्स हुआ करते हैं जैसे उनका उनके बोला गया है कि बीर सेलराय जी की जो छोटी सी नाइफ थी खंजरी उसकी पूजा करते हैं वो लोग बीर सेलराय जी की तो आपको पता ही बीर सेलराय जी कौन है तो उनकी जो नाइफ है उसकी पूजा करी जाती है तो ये होता है डार पूजा होता है कोच रॉयल फैमिली इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है और ये सेलिब्रेट होता है मोहनपुर हावली में जो कि दौरांग डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर ये सेलिब्रेट हो रहा होता है सो दैट इज द आर टॉपिक्स टॉपिक्स वी हैव डन इन सेशन कल वाले जो हैं उनके आंसर्स पर दिए हुए हैं आप इसको देख सकते हैं कि इसको क्या आंसर है अब मैं आपके सामने आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है जल्दी से इसको समराइज भी कर देता हूँ और आपको जो समरी है वो भी एक बार दिखा देता हूँ मैं इसको समरी वापस आपके सामने सो ये है हमारा पहला टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला इसकी समरी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे पहले तो टाइप्स कौन से थे तो हमने देखा था बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक देन देखा था फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हाइड्रोजन से चल रहे थे बेनिफिट्स क्या आते तो हमने बोला था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सस्ते होते हैं चीपर होता है इनको चलाना एम सॉरी व्हीकल नहीं सस्ता होता है व्हीकल को ड्राइव करना सस्ता होता है ज्यादा कम पैसे में ज्यादा ड्राइव कर पाते हैं और तीसरा कि अगर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं तो फ्यूल इंपोर्ट कम हो जाता है ये बात बोली गई थी बेनिफिट्स अच्छा इससे इश्यूज क्या आ रहे होते हैं तो इश्यूज है कि इनको ये जो ओवरऑल एक्सपेंसिव है तो गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहिए अब सब्सिडी देगी सरकार तो अमीरों को मिलेगी एज अ रिजल्ट बाउंटीज फॉर वेल ऑफ दूसरी बात थी कि इनके लिए चार्जिंग के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है और इसीलिए लोगों को रेंज एंग्जाइटी होती है डर लगता है बहुत दूर नहीं चला सकते अच्छा इलेक्ट्रिसिटी भी जो आ रही है चार्जिंग के लिए वो भी कोल को बर्न करने से आ रही है जो खुद पोल्यूटिंग है चौथी बात स्लो चार्जिंग हो रही होती है फास्ट चार्जिंग तो है नहीं इसमें पांचवी बात बोली जा रही है कि इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में पार्टी इतने इम्पोर्ट करने पड़ते हैं लॉजिस्टिकल चैलेंज सेमी कंडक्टर इम्पोर्ट होते हैं बैटरीज जो है उसका ग्रेफाइट इंपोर्ट होता है उस पर भी चाइना जो है वो कर्व कर रहा है तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की भी प्रॉब्लम आएगी अच्छा लिथियम भी हमारे पास कमी है ये भी देखिए हमारे पास लिथियम भी कम होता है तो हमारे पास ज्यादा है नहीं इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने के लिए जो चाहिए होती चीजें इवन दो नई डिस्कवरीज हुई हैं लिथियम की हुई है और सबकी हुई है बट अभी भी उतना डेवलप्ड नहीं है चीजें कि हम खुद से ही सब कुछ बना ले इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है और पांचवी बात बोली गई थी कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाए हैं चार्जर से नॉल उसको सोल्यूशन कर दिया गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डेवलप कर दिया है कंबाइंड एसी डीसी चार्जिंग जिससे एटलीस्ट चार्जिंग के लिए अब एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में बोला गया था कि अभी 17 कमांड है अलग अलग आर्मी नेवी एयरफोर्स की उनको कंबाइन करके डाल दिया जाएगा तीन मेजर में ईस्ट वेस्ट साउथ में डाला जाएगा और इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि आर्मी नेवी और एयर फोर्स तीनों के लोगों को कंबाइन करके एक सिंग सिंगल लीडरशिप में डाला जाएगा दैट इज वाई इट इज इंटीग्रेटेड फायदा क्या होगा कोऑर्डिनेशन अच्छा होएगा बेटर एफिशिएंसी है वर्कलोड का डुप्लीकेशन नहीं है एक ही काम कर रहे होंगे यूजफुल ज्यादा है ज्यादा प्रैक्टिकल भी है यह आइडिया जो था ये शिकतकर कमेटी ने दिया था एग्जिस्टिंग है अंडमान एंड निकोबार वाला और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता ही दिया कि मलक्का इस जगह पर होता है मलक्कन डिलेमा होती है आयरन करटेन जिसको बोला था और उसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी करा अफ्रीका और एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर दिया चाइना ने और इसका आंसर था ये जो अंडमान एन निकोबार का कमांड बनाया गया था अच्छा नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि एथिक्स कमेटी के ऊपर तो बोला गया था कि मॉरल और एथिकल कंडक्ट जो होता है वो अच्छा रहे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके लिए ये एग्जामिन करता है जो केसेस होते हैं मॉरल या एथिकल अगर कुछ किसी ने गलत करा उसको देखना राज्यसभा में 1997 लोकसभा में 2000 इसमें 10 मैन 15 मैन ये यहाँ पर चेयर पर्सन और ये स्पीकर नॉमिनेट कर रहा होता है काम इसका काफी कुछ प्रिविलेज कमेटी से सिमिलर ही हो रहा है नेक्स्ट अमृत कलश यात्रा पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन पेट्रियोटिज्म को बढ़ाना है अलग अलग हाउसेस से विलेजेस से सॉइल लो और उसको अमृत वाटिका लेके जाओ उससे पेट्रियटिज्म बढ़ जाएगा और लास्टली डार पूजा की बात हुई है कोच रॉयल फैमिली का ट्रेडिशन है वेपन की वर्शिप करी जाती है बीर लाराय जी की खंजरी की वर्शिप होती है हावली मोहनपुरा में जो कि दरांग डिस्ट्रिक्ट में है सो दैट इज ऑल इन टूडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस Thank you.